तू शहीद हुआ ना जाने कैसी तेरी माँ सोई होगी। तू शहीद हुआ ना जाने कैसी तेरी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के वीर सपूत शहीद कबीरदास उइके का पार्थिव देह कल राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां मां भारती के लाडले बेटे को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटा पार्थिव देह जब सेना के विशेष वाहन से उनके पैतृक निवास स्थान पहुंचा तो घर में चीख पुकार मच गई। वहीं वीरांगना पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जवान शहीद कबीरदास उइके का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीआरपीएफ जवानों ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद शहीद कबीर को उनके घर के पीछे खेत में दफनाया गया। यहां स्मारक बनाया जाएगा। इससे पहले शहीद की पार्थिव देह पहले हवाई मार्ग से गुरुवार सुबह नागपुर लाई गई। यहाँ से सड़क मार्ग से पैतृक गाँव पुलपुलडो मरजातापुर ले जाया गया। उनकी अंतिम यात्रा के दर्शन के दौरान लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। अंतिम संस्कार के समय सीआरपीएफ के आईजी सुखबीर सिंह सोढ़ी और डीआईजी नीतू सिंह भी मौजूद रही। वहीं छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसपी मनीष खत्री भी मौजूद थे। मंगलवार रात 8 बजे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर स्थित सैदा शुक्ल गाँव में आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीरदास को गोली लग गई। वहीं बुधवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद कबीरदास को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तिरंगे से ढककर कबीर की पार्थिव देह लाई गई। वो तिरंगा उनके परिजनों को भेंट किया गया। ये दृश्य देख वहाँ मौजूद हजारों हजार लोगों की आंखें नम हो गई। माँ भारती के लाडले बेटे ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। शहीद जवान के शीर्ष चरणों में अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है, जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता को छोड़कर देश की रक्षा में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीद कबीर को पुलिस के जवानों ने आगे सलामी दी, जिसके बाद उनकी पार्थिव देह को घर से अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। शहीद कबीरदास का अंतिम संस्कार कुछ देर बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पुलपुलडोल गांव के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान कबीरदास उइके मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद जवान का पार्थिव देह कल राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ देशभक्ति गानों के बीच वहां उनके पैतृक निवास स्थान पहुंचा, जहां पार्थिव देह घर पहुंचते ही घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो वहीं गाँव में गर्व का माहौल देखा गया।